चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के इस बार राहुल शिवाले का बयान सामने आया। लोकसभा में शिवसेना सांसद राहुल शिवाले का बयान, रिया चक्रवर्ती को एयू नाम से 44 फोन आए। राहुल शिवाले ने कहा एयू मतलब है आदित्य उद्धव ठाकरे। बिहार पुलिस की जांच में ये पता चला है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब तक वो गुत्थी सुलझी नहीं है। हालांकि 2 साल के करीबन इस पूरे मामले को बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी परतें हैं जिनका खुलना बाकी है। और इसी बीच राहुल शिवाले का ये बयान अपने आप में एक अहम कड़ी है। क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल संचार के जांच की गई और क्या यह सच है कि यह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के संपर्क में थी और उसकी दोस्ती थी, इसमें एयू का नाम आया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के पहले 44 कॉल्स एयू के आए। अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्य उद्धव नहीं है, एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है। तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। संदीप मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संदीप, ये बताएं कि जिस तरीके से राहुल शिवाले का ये बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कि बिहार पुलिस की जांच में ये पता चला है कि रिया चक्रवर्ती को आदित्य ठाकरे एयू के नाम से कई फोन आए, 44 फोन आए, क्या लगता है इस पूरे मामले में ये जो अहम चीज है ये क्या मोड़ ला सकती है? निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस तरह की बात आज राहुल शिवाले ने संसद में रखी है उससे उन्होंने एक बात साफ कही है कि रिया चक्रवर्ती को एयू के 44 कॉल जो आए हैं वो उनकी जांच नहीं, बिहार पुलिस की जांच में ये चीजें सामने आई हैं। एयू यानी उनकी रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये दलील दी जा रही थी उनके वकीलों की कि अनन्या उद्धव जो है उसको नाम दिया गया था, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में ये चीजें जो सामने आई है, आज राहुल शिवाले ने भी जो संसद में रखा है अपनी बातें, उसमें एयू का सीधे सीधे तौर पर अर्थ है कि उद्धव आदित्य उद्धव ठाकरे, और यही बात जो है शिवाले जी ने कहा। हालांकि आज आदित्य ठाकरे हम लोगों से मिले, आदित्य ठाकरे से जब हमने ये बातें जाननी चाहिए तो आदित्य ठाकरे अपने इस मामले पर, अपनी इस बात पर जो कुछ बयान देने के बजाय उन्होंने राहुल शिवाले पर जो है कई प्रश्न उठाए कि उनके कैरेक्टर कैसे है, उनके उनकी क्रियाकलाप कैसे है, उन पर आरोप लगे हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे उस इस मामले पर रिया चक्रवर्ती या एयू के नाम से जो 44 कॉल आया उस पर अपनी कोई सफाई उन्होंने नहीं दी। तो निश्चित तौर पर अब तक जो बार बार उन पर आरोप लगता रहा है, चाहे वो नीतीश राणे लगाते हों या फिर उस समय जो बार बार उन पर आरोप लग रहा था कि आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है, चाहे वो अब सुशांत सिंह का मामला रहा हो या फिर उनकी जो पूर्व मैनेजर थी जिसकी मौत हुई उनका मामला रहा हो, ऐसे में आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ी है और वो मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए भी जो है उतनी ही मुश्किल साबित होगी कि ये मामला आज जो संसद में बिल्कुल है। और ये देखना होगा फिलहाल प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। लेकिन बिहार पुलिस अगर ये बात कह रही है तो क्या वो ग्राउंड मजबूत है जो दावे किए रहे हैं, क्या वो फैक्ट्स हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से वो बयान सुनाते हैं राहुल शिवाले की तरफ से जो कुछ आज संसद में कहा गया। क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल संचार के जांच की गई और क्या यह सच है कि यह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के संपर्क में थी और उसकी दोस्ती थी, इसमें एयू का नाम आया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के पहले 44 कॉल्स एयू के आए। अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्य उद्धव नहीं है, एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है। तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। तो लोगों के मन में इसको लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, बिहार पुलिस की जांच रिपोर्ट कुछ अलग कहती है, सीबीआई की जांच आखिर कहां आगे बढ़ी? फिलहाल इस पूरे मामले में जो अब तक खुलासे हुए हैं, आगे की कार्रवाई की दिशा क्या रहने वाली है? देखिए, इस पूरे मामले में सीबीआई अपनी रिपोर्ट लगा चुकी है, लेकिन जब आज संसद में यह मामला उठा है तो निश्चित तौर पर सीबीआई, आज राहुल शिवाले ने भी वही बातें कही कि मुंबई पुलिस की जांच कुछ और कहती है, बिहार पुलिस की जांच कुछ और करती है, और सीबीआई इस मामले पर जिस तरह से क्लीन चिट देती है वो अपने आप में भ्रम पैदा करता है। और इसी मामले में संसद में ये सवाल उठाना, और संसद अगर इस मामले पे कोई जांच के आदेश देती है
और इसमें जो है एयू को लेकर या बिहार पुलिस की जांच को मंगाने की बात करती है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर आदित्य के लिए जो है मुश्किल बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है, मुंबई पुलिस अलग थ्योरी दे रही है, बिहार पुलिस अलग, सीबीआई अलग, लेकिन इस पूरे मामले में आज क्योंकि संसद में ये मुद्दा गूंजा है, ये पूरा मामला सामने आया, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कैसे इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।